खुदा का शुक्र है कि कथित गर्लफ्रेंड को गोली नहीं लगी, वरना कहानी कुछ और ही हो गई होती। गोली चलाने वाले सिपाही नवीन कच्छप को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। चुटिया पुलिस पकड़े गए सिपाही और उसकी कथित गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर रही है। कोशिश यह हो रही है कि गर्लफ्रेंड कोई केस ना करे और जो कोई उससे पूछे उससे यही कहे कि उसने गोली चलाते सिपाही नवीन को नहीं देखा। लड़की को मीडिया के सामने भी नहीं आने दिया गया। चुटिया के थानेदार रवि ठाकुर ने कहा कि उन्हें अनुसंधान के लिए 90 दिनों का समय मिलता है, अभी तुरंत कुछ बताना जल्दबाजी होगी। कुछ चश्मदीद के अनुसार PCR 18 में तैनात सिपाही नवीन ड्यूटी करने के बाद सोमवार की सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। उसका घर चुटिया के धुमसा टोली मोहल्ले में है। किसी बात को लेकर दोनों में तकरार हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सिपाही नवीन ने सरकारी पिस्टल से गोली चला दी। गोली गर्लफ्रेंड को नहीं लग दीवार में जा टकराई। लड़की की चीख चीत्कार और गोली चलने की आवाज पर आसपास से जुटे लोगों ने सिपाही को पकड़ लिया। इस बीच मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपड़दार के साथ रूपम की रिपोर्ट।